की हर साल 10% डिप्रिसिएट हो रही है, मतलब कम हो रही है। तो सुनना, मान लिया वैल्यू एक्स थी, उसका 10% कम हो रही है, तो 10% कम होने का मतलब है 90% हो जाना। क्यों? क्योंकि टोटल कितना होता है 100, तो एक्स का 90% हो गई। फिर उसके बाद, क्योंकि 2 साल बाद का या 2 साल पहले का कह रहे हैं ना, 2 ईयर, तो अब 1 साल एक मतलब कुछ वैल्यू होगी, फिर उसका 10% और डिप्रिशिएट हो रही होगी, फिर जाके जो वैल्यू आई वो है 81 लाख। तो फिर 90% किसके बराबर है? 81 लाख के। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, ये इंफॉर्मेशन उसने क्वेश्चन में दे रखी है। क्या? कि वैल्यू की जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 10% डिक्रीज हो रही है हर साल। तो पहले हमने उसकी वैल्यू मान ली एक्स, फिर 10% डिक्रीज होने का मतलब 90%, फिर 10% डिक्रीज होने का मतलब 90% बराबर 81 लाख। अब आपको देखते ही समझ आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 81 से 81 कट गया, तो एक्स बराबर 100 लाख इज योर आंसर। अब देखो क्लास, कंपटीशन में जैसे कहते हैं कि ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ये चीजें होती क्या है, ठीक है ना? ट्रिक कुछ नहीं होता। अब आपको पता है क्या सिखाया जाएगा, कि जब ये दिया हो तो क्या करोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे और गुणा कर दोगे जैसे कि हमने बताया। और कहते हैं जब ये दिया हो, फाइनल दिया हो, तो फाइनल को लिखते हैं, ये उल्टा कर देते हैं, ये 90/100 का 100/90 है, और इस 90/100 का भी 100/90, 9 81 तो 100 लाख। तो कर वही रहे इनडायरेक्टली, बस दिखाने का तरीका अलग है, जिससे हमें लगता है कि नई चीजें बन रही है, लेकिन नई चीजें नहीं बन रही है, सिर्फ और सिर्फ वही चीजें हैं जो पहली बार थी, वो कर सकते हो, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो, लेकिन मेरे चाहने से होगा नहीं, ठीक है ना? अगर मेरे चाहने से हो रहा होता तो मैं अपन बहुत कुछ और चाह देता, ठीक है? चल छोड़। इसके बाद अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। चलो एक और कराता हूँ जो थोड़ा आसान है, क्वेश्चन नंबर 24, फिर कराऊंगा टफ टाइप जो कि जरूरी है। 24 देख, किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं करना और ना ही किसी क्वेश्चन की ट्रिक याद करनी है। अगर आप कंसेप्ट से चलोगे, अगर आप कंसेप्ट को फॉलो करोगे, तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से, हाँ सारे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, ना ही कोई दिक्कत होगी आपको, ठीक है ना? देखिए सबसे पहले काम होगा कि आपको क्वेश्चन समझना होगा। ओके क्लास, सबसे पहला काम होगा आपको क्वेश्चन समझना होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम डोनेटेड 4% ऑफ हिज इनकम, इनकम मान लिया 100%, क्योंकि जितनी कमाई है वो पूरी कमाई 100% होगी, इसका 4% डोनेट कर दिया, बचा कितना 96%। क्यों? क्योंकि टोटल कितना होता है 100। उसके बाद ही डिपॉजिट 10% ऑफ द रेस्ट, बची रहेगा 10%, तो 96 का 10%, देखो मुझे तो याद है और बहुत आसान चीज है, 10% निकालोगे तो हो जाएगा 9.6, यानी कि 9.6% उसने बैंक में डाला, ठीक है ना? 9.6 उसने बैंक में डाला। अब देखो अब बची कितनी होगी, अब एक बच्चा सोचने लगता है कि बची कितनी होगी, तो बची कितनी होगी, देखो 4 ये थी और 9 ये थी, ठीक है ना? 9 और 4 13, 9 और 4 13, यानी कि उसने 13.6% खर्च कर दी है। कैसे भी खर्च कर दी, कैसे? 4% डोनेट करके और 9.6% बैंक में डाल के उसने खर्च कर दी। अब आप दिमाग लगाना, टोटल सैलरी है 100% और खर्च कर दी इतने परसेंट, तो कितना बचा होगा? अब बचा कितना होगा, यानी कि सेव 100 में से माइनस करोगे, तो देखो 100, 13.6, 4.9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, तो आ गया 86.4% उसने बचा लिया अपने पास। लेकिन अब वो कह रहा है कि जो बचा है ना वो इतना है, तो सिंपल कंसेप्ट, 86.4% अगर 8640 के है, तो 1% 8640 बाय 86.4, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो लगाओगे, इससे जाएगा 100 आएगा। तो समझना 1% 100 के बराबर है। अब वो उसकी इनकम पूछ रहा है और हम इनकम को कितना मान के चल रहे हैं, 100%।
जब 1% 100 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 10,000 के, क्यों, क्योंकि 100 से गुणा करना है, तो आंसर इज 10,000। कोई डाउट? पहला काम होगा क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद का काम होगा चीजों को सॉल्व करना। तो देखो पूछने का एक इलेक्शन हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। बिटवीन टू कैंडिडेट, मान लो एक ए और एक बी है, द विनर गॉट 65% ऑफ द टोटल कास्ट वोट। मान लिया मैंने ए विनर है, किसी को भी मान लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये लूजर है, ठीक है ना। ए विनर है, कह रहा है ए को 65% मिला, मतलब टोटल वोट मान लिया 100%, ए को मिले 65%, तो दिमाग लगाओ बी को कितने मिले होंगे, बी को मिले होंगे 35%। अब ऐसा ना हर बार नहीं होता, ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन इस बार होगा। चलो सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं होता इलेक्शन में कि दो कैंडिडेट खड़े हैं तो एक, मानो 100 वोट पड़े हैं तो ए को 65 पड़े हैं तो बी को 35 पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ वोट नल होते हैं, नल जैसे होता है ना कि कोई भी पसंद नहीं है वो वाला बटन दबाते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा कह रखा है कि कुछ वोट नल वोट हो गए, मतलब कुछ वोट खराब हो गए, मतलब खराब का मतलब है हो सकता है वो आए नहीं वोट देने के लिए, हो सकता है कि उन्होंने इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है वो वाला प्रेस करा, अगर वो कंडीशन दे रखी है तो क्वेश्चन अलग कैटेगरी में चला जाएगा। और जो मैंने क्वेश्चन आपको भेजे हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी फिलहाल हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आ गया कि ए को कितना परसेंट मिला था, 65%, ठीक है ना, तो बी को कितना मिला होगा, 35%, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कह रखा कि वोट वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ वोट नल है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 30%, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 30%। लेकिन आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है 2748। पढ़ के देखो, उसने कहा एंड वॉन इलेक्शन बाय मेजोरिटी ऑफ इतना, मतलब जो जीता है ना वो इतने वोट ज्यादा से जीता है, इतने वोट ज्यादा से जीता है। तो अगर देखा जाए तो यहां देख लो, जीतने वाले को 65%, हारने वाले को 35%, तो जीतने वाला हारने वाले से 30% ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे नंबर कितना दे रखा है, 2748, तो 30% किसके बराबर है, 2748, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 2748 बाय 30, और आपको निकालना है टोटल वोट, और टोटल वोट क्या, 100%, तो 100% हो जाएगा 2748 बाय 30, तो था गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 से 3 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 9 1 6 0 इज आवर आंसर। किसी को कोई डाउट, देखते रहना, बहुत आसान चीज है, इतनी मुश्किल है ही नहीं। कह रहा नितिन की सैलरी पहले 10% कम हो गई, तो मान लिया नितिन की सैलरी थी 100 रुपए, परसेंटेज में आपको ये फायदा होगा क्लास कि आप 100 मान सकते हो, परसेंटेज में ये फायदा होगा कि आप 100 मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 100% के हिसाब से चलता है सब कुछ। उसकी सैलरी 10% कम हुई, तो 100 का 10% 10 ही होता है, अब उसकी सैलरी होगी 90 रुपए, क्यों, क्योंकि 10 रुपए कम हुई। अब उसने कहा कि उसकी सैलरी फिर 10% इंक्रीज हो गई, और वो कौन सी, रिड्यूस वाली, ये वाली। अब 90 का 10%, 90 का 10% 9 रुपए, यानी कि अब 9 रुपए बढ़ गई, तो कितने हो गए, 99 रुपए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिज न्यू सैलरी, ये है न्यू सैलरी, ये नई सैलरी, नई सैलरी इन कंपैरिजन विद ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी बड़ी है या घटी है ये बताना है, तो 100 से 99 हो गई, तो आपको एक दिख रहा है कि एक कम हुई है, और ये 100 माना है, तो इसलिए ये परसेंटेज हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो देखो, मैं आपको पहली क्लास से क्लास ये कहता आ रहा हूं कि आपको क्या करना सीखना है, सबसे जरूरी है, अगर आपको देखो हर सब्जेक्ट में करना, मैथ्स में नहीं, हर सब्जेक्ट में आप जो भी चीज पढ़ रहे हो ना उसका यूज सीखना है कि आप मैक्सिमम यूज कहाँ कर सकते हो उसे, ठीक है ना। अब मैं इसे ना इस वाले फॉर्मूले से कराता हूं, एक फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, पता है यही सबसे बड़ी बात है, मैं तो बता रहा हूं, आपको खुद भी सेंस करना आना चाहिए कि कहां ये लग पाएगा, जिस दिन ये सेंस करना आएगा तब आप श्योर होंगे कि हाँ मैं डेफिनेटली करूंगा। ए है 10% डिक्रीज -10, बी है 10% डिक्रीज +10, ए है 10% डिक्रीज -10, बी है 10% डिक्रीज +10, ए की जगह -10, बी की जगह +10 बाय 100, 10 से 10 गया, 100 से 100 गया, -1, आंसर सेम आ रहा है, अलग आ रहा है, करना और समझ आता नहीं आता मुझे बताना। देखो
नंबर ऑफ स्कूल में लड़के और लड़कियों का रेशियो 3:2। अब ना क्वेश्चन तो मैं वैसे भी करा सकता हूं, लेकिन मैंने कहा आसानी से करेंगे। अब आप एक ऐसा नंबर मानो जो 3 और 2 के योग से, मतलब योग मतलब सम, 3 और 2 को जोड़ के जो नंबर आएगा उससे भाग हो सके। 3 और 2 होता है 5। अब चाहो तो आप 10 मान लो, चाहे तो 20 मान लो, चाहे 50 मान लो, चाहे 100 मान लो, चाहे 500 मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें बस ऐसा नंबर लेना होता है जो इन दोनों के एडिशन से सब्ट्रैक्ट होता है, सॉरी डिवाइड होता है। तो मैंने मान लिया कि टोटल बच्चे जो है वो 100 मान लिए। क्यों? क्योंकि 100 3 और 2 5 से भाग हो जाता है। अब सुनना कैसे करना है, बॉयज रेशो गर्ल्स सर 3:2। तो कैसे निकालते, देखो 3 और 2 5, 5 से इसे भाग करोगे 20 आएगा, 20 को 3 से गुणा करोगे, 7 तो लड़के हैं, 20 को 2 से गुणा करोगे, 40 तो लड़कियां हैं। पहले आपको सबसे पहले ये चीज सीखनी पड़ेगी। कैसे करना है, दोबारा बॉयज निकालना है तो क्या करोगे, बॉयज के नंबर को ऊपर रखोगे, दोनों के सम को नीचे करोगे और गुणा टोटल 20 या 60। गर्ल्स निकालनी है, क्या लिख रहा हूं ये, हाँ गर्ल्स निकालनी है, ये गर्ल्स ही है, गर्ल्स निकालनी है तो गर्ल्स के नंबर को ऊपर रखोगे, दोनों का सम नीचे, गुणा टोटल। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही है। इसके बाद उसने क्या कहा, इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के हैं उनके 20% और लड़कियों के 30%। तो लड़के ये रहे, लड़कों का 20%, तो कितना आसान है, 60 का 20% 12 और लड़कियों का 30% 40 का 30% 12। तो ये 12 लड़के और 12 लड़कियां वो हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है। तो टोटल कितने बच्चे हो गए जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है, 24 बच्चे। टोटल कितने बच्चे हो गए जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है, 24 बच्चे। अब सोचना, 100 बच्चे टोटल थे, स्कॉलरशिप वाले 24 है, स्कॉलरशिप वाले, तो कितने ऐसे होंगे स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी, 76 बच्चे होंगे जो नॉन स्कॉलरशिप वाले होंगे। तो बस 76 इज द वाला आंसर। कोई डाउट? तो देखते हैं क्लास क्या कह रहा है। उसने हमें कहा कि एक एग्जामिनेशन में एक बच्चे को कितने नंबर मिले, 23% मिले। तो 100% तो टोटल मार्क्स होते हैं, उसे मिले 23%, लेकिन वो फेल हो गया 24 नंबर से, मतलब 23% में 24 नंबर और जुड़ जाते, 24 नंबर और जुड़ जाते तो वो पास हो जाता, वो पास हो जाता। और पासिंग मार्क्स कितना है, 35%। तो ये कितना है, 35%। एक बार होगा, 100% टोटल मार्क्स हो गए, उस बच्चे को कितने मिले, 23%। लेकिन 23% में अगर कोई 24 नंबर और पा लेता, 23% में 24 नंबर वो और ले लेता तो वो पास हो जाता, और पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 35%, यानी कि वो कितने परसेंट हो जाता, 35%। अब यहां से बहुत आसान है, परसेंटेज वाले को तो भेजो, 24 बराबर 35 माइनस 23, 24 बराबर 12 और 1 बराबर 2, और टोटल मार्क्स कितने मानते हैं, 100%। जब 1% 2 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 200 नंबर के, दैट इज आवर आंसर। कोई डाउट क्लास? हाँ सर, सर देखिए 23% और 24 तो 47 हो जाएगा ना। आप सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने यहाँ जानबूझ के इसे मार्क्स लिखा, ये परसेंट और मार्क्स है तो ये दोनों आपस में ऐड हो ही नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, अब क्लास देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप 3-4 बार कर लोगे ना, फिर आप इतने फास्ट हो जाओगे कि आप ऐसे करोगे, कैसे आपको समझ आ जाएगा इसमें से ये घटाना है, तो मन में ही करोगे ना, कितनी जल्दी, 35 माइनस 23, मैं लिख देता हूं, 35 माइनस 23 12%, और 12% किसके बराबर, 24, 1% बराबर 2, 100% बराबर 200 आंसर। अब इसी को ट्रिक का नाम से देखा जा रहा है, और जबकि ये है क्या, कंसेप्ट। बस यही चीज आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, लेकिन समझाने वाले को एक बारी में आ जाती है, और जो नहीं समझना चाहता उसे कभी नहीं आती है, ठीक है ना।
अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसकी स्टेटमेंट चेंज कर दी, तो मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं आपको पहले दिन से कि जब वो स्टेटमेंट चेंज करेगा तो इसका मतलब कि बिल्कुल भी नहीं होता कि इसका टाइप चेंज हो गया, इसका बिल्कुल भी नहीं मतलब होता कि टाइप चेंज हो गया, क्वेश्चन अभी भी वही है, बस आप आपको इंफॉर्मेशन दूसरे रूप में दे रखे, समझते हैं। राम 100% मार्क्स होते हैं टोटल, राम ने कितने पाए 30%, लेकिन 25 नंबर से फेल हो गया तो 25 नंबर और जोड़ता तो वो पास हो जाता। दूसरा मोहन की बारी है, मोहन 100 नंबर का इसके लिए भी पेपर होगा 100% का, मोहन ने पाए 44%, लेकिन उसके जो नंबर है ना वो 10 ज्यादा है किससे, पासिंग मार्क्स से, यानी कि इसके जितने भी नंबर आए हैं उसमें से 10 माइनस कर दूं तब पास मार्क्स आएंगे। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन क्लियर है तो बताइए यस और नो। यस यस सर। चलो अब ये दोनों के लिए पासिंग मार्क्स तो सेम ही होंगे, अगर पेपर होता है हम सब एक क्लास में बैठे हैं एक ही क्लास के हिस्से हैं, तो अगर पासिंग मार्क्स 33 है तो आपके लिए भी 33 होगा और मेरे लिए भी 33 होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके लिए अलग हो मेरे लिए अलग हो, यानी कि दोनों के पासिंग मार्क्स क्या होंगे, सेम होंगे, 30% प्लस 25 बराबर 44% माइनस 10, परसेंटेज एक तरफ कर दो नंबर एक तरफ कर दो, 30% माइनस 44% बराबर माइनस 10 माइनस 25, तो माइनस का 14% बराबर माइनस 35, 1% बराबर 35 बटे 14, 7 × 7 = 2.5%, सॉरी 2.5 आ गया, 1% 2.5 के बराबर है, देखते रहना 1% 2.5 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 2.5 × 100 दैट इज 250 आंसर। कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करोगे जैसे हम करेंगे वैसे करोगे, देखते रहना कैसे सॉल्व करेंगे जब आप इस क्वेश्चन को कई बार कर लेते हो, तो हम इस क्वेश्चन की शक्ल याद हो जाती है जब बहुत बार करने के बाद, तो हमें समझ आ जाता है इन दोनों परसेंटेज को माइनस करना है, और जो देखो जिससे फेल हो रहा है उसे लिखना है और जो ज्यादा है उसे लिखना है, ठीक है, वैसे तो दोनों को माइनस करना होता है लेकिन ज्यादा वाले को पहले माइनस करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, 14 25 प्लस 10, 14 = 35, 1 = 35/14 यानी कि 2.5, तो 100 = 250, और इसी को ट्रिक के नाम से बेचा जा रहा है, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो, और अगर बहुत सारे बच्चे होते 50 60 100 तो वो समझ पाते कि मैं क्या कह रहा हूँ, यही चीज ट्रिक के नाम से बेची जाती है और हल्ला मचता है कि हम क्या सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अलग चीज सीख रहा है, सब बेसिक चीज सीख रहे हैं, कोई किसी को बताई जा रही है किसी को नहीं बताई जा रही, क्या करना होता है दोनों परसेंटेज को माइनस करना होता है और इन दोनों को भी माइनस करना होता है, लेकिन जो मोर मार्क्स है उसके आगे माइनस लगा देते हैं तो जिसकी वजह से वो ऐड हो जाएगा और इससे क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अब आप ध्यान से सुनना, लेकिन जरूरी थोड़ा है यही एक टाइप हो, जैसे मैंने अभी इसके एक टाइप पहले कराया था, इसका एक ये कराया, ऐसे 10 और बन सकते हैं और सबके लिए अलग तरीका होगा, तो आप कितने तरीके पकड़ोगे ये बता दो, ठीक है ना, हमें तो याद रहेंगे, क्यों कि हमारा तो काम ही पड़ा रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को याद नहीं रहेंगे सारे तरीके जब तक कि आप इसकी बहुत मेहनत नहीं करोगे, ठीक है ना, रीजनिंग में भी और बाकी में तो आपको अपना पता ही होगा, इन दोनों में तो आने चाहिए तभी फायदा होगा वरना कोई फायदा नहीं, ठीक है, 650 × 900, और अब आप क्या कर सकते हो, मान लो रीजनिंग में 17 ले आओगे तो मैथ्स में आप 13 ला सकते हो, 30 लाने टोटल मिला, ठीक है ना, इन दोनों में से, ठीक है ना, 40 में से। अब आगे देखो, इधर देखो, उसने कहा कि एक इलेक्शन में देर आर टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट हैं जिन्होंने भाग लिया, द कैंडिडेट हु गेट 62% ऑफ द वोट्स डिक्लेयर्ड विनर बाय मार्जिन ऑफ 44%, तो टोटल वोट मान लिया 100%, ठीक है ना, जिसको 62% मिले, जिसको 62% मिले उसे विनर कर दिया हमने, विनर घोषित कर दिया, कितने वोटों से, 144 वोटों से, तो यानी कि दिमाग लगाओ अगर इसे 62 वोट्स मिले होंगे तो इसे कितने मिले होंगे, 38%, क्यों, क्योंकि टोटल कितना परसेंट होता है, 100 होता है, 62 और 38
कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसने कहा इन दोनों का आंसर कितना आ रहा हमारे हिसाब से 62 और 38, 24% आ रहा है। लेकिन उसने कहा तो वोट का आंसर कितना है 144, तो हमारा तो 24% आ रहा है लेकिन उसका कितना अंतर है 144, तो ये 144 के बराबर है। तो 1% 144/24 6 आएगा, ठीक है ना, 24 6, तो 1% 6 आ गया, तो 100% किसके बराबर आएगा 600 के, तो आंसर आ गया 600। अब ये क्वेश्चन सेम वही टाइप हो गया जो हमने आपको पहले कराया था। तो मान लो अब ये क्वेश्चन आपने बहुत बार कराया और ये पेपर में आ गया, तो बता हम कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। आप देखोगे 62 है तो दूसरा होगा 38, 62 में से 38 जाएगा 24, 24 किसके बराबर है 144, तो लिखना है तो लिखो वरना 24 144 16 आंसर आ जाएगा 600। इस तरीके से करता है वो जो सिलेक्शन पाना चाह रहा है, ठीक है ना। आप मान लिया इतना फास्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस तरीके से तो कर ही सकते, ठीक है ना। तो दोनों तरीके आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे उससे करो, अच्छा नहीं लगे तो मत करो। आपके पास बहुत सारे टाइप आएंगे पर अगर आप इन सभी टाइपों को एक एक करके समझ लोगे, तो आप चीजों को ड्रिल कर लोगे, ठीक है। 7 लिए, अब देख लो न्यूमरेटर का मतलब होता है जैसे अंश, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न और डिनोमिनेटर का मतलब हर, अंश हर। जैसे मैंने लिखा 3/5, तो ये अंश है और ये हर है। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर, इसे डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास जो फ्रैक्शन था ना, जो भी फ्रैक्शन था उसके न्यूमरेटर में तो 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो हमने मान लिया फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई है क्योंकि हमें पता ही नहीं है। वैसे तो हम लोग तो इसे ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, लेकिन ऑप्शन के थ्रू आप ना चलना। न्यूमरेटर एक्स अपॉन वाई है, सॉरी फ्रैक्शन, अब न्यूमरेटर 20% इंक्रीज हो रहा है, तो ये बन जाएगा, देखते रहे ना, एक्स प्लस एक्स का 20% और डिनोमिनेटर कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 25%, वाई प्लस वाई का 25%, ये हो गया। और ये किसके बराबर बन जा रहा है 3/5 के। ये चीज समझ आई क्लास, तो बताओ यस और नो। यस सर, क्लियर है। चलो आप देखते रहे ना, 20 से कम 20, 25 से 100, 25 से कम 25, 25 से 100, एक्स प्लस एक्स बाय 5, वाई प्लस वाई बाय 4 इक्वल टू 3/5। इनके नीचे वन वन लिखो, एलसीएम देखो, 5 5 का एलसीएम 5 ही आएगा, 5 × x, 5x प्लस x अपॉन 4 4y + y = 3/5। देखते रहना, ये इसके साथ जाता है, ये इसके साथ, 5 और 1 6, 6 के साथ 4 आ गया, यहां लिख देता हूं, यहां पे 6x के साथ 4 आ गया, 5 और 1 6 के साथ 4 आ गया, 4 और 1 5 के साथ 5 आ गया, और ये इसके बराबर 3/5, 5 से 5 कट गया, 3 × 6। तो देखो दो एक्स और वाई, 2 × 4 = 8 और नीचे बचा 5 = 1, तो एक्स अपॉन वाई किसके बराबर आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे, दैट इज अवर आंसर। तो क्लास रूम क्या कह रहा है कि ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब मान लो इसकी चीज 100 रुपए की थी, पहले 20% का डिस्काउंट मिला, तो 100 का 20% 20 रुपए का डिस्काउंट मिला, 80 हो गई। अब 80 का 25% डिस्काउंट मिलेगा, तो देखो 80 का 25%, 80 × 4 = 20, तो 20 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब आपको लग रहा है मैंने यहाँ 20 क्यों लिख दिया, 80 का 25% 20 ही आता है, हम क्या करें, फिर इसका 10% डिस्काउंट मिलेगा, 60 का 10% 6 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, तो चीज पड़ गई 54 रुपए की, तो 100 रुपए से 54 रुपए की चीज पड़ गई, तो कितने रुपए कम कर दिए 46 रुपए, तो डिस्काउंट कितना परसेंट हो गया 46%। कोई डाउट, नहीं सर? नहीं, हर क्वेश्चन एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, पेपर में क्या आएगा किसी को नहीं पता, इसीलिए सारे क्वेश्चन करने, और जब तक आप क्वेश्चन को
इंजॉय नहीं करोगे, मतलब जब तक आपको क्वेश्चन खुद से समझ नहीं आएंगे तब तक आप चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लो उनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट का है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। इसके अलावा भी एक तरीका है क्लास, बताओ कैसा। देखो 20, 25, 10 पहले इन दोनों का निकाल दो, ए प्लस बी माइनस ए बी 100, ए प्लस बी माइनस ए बी 20, 25, 50 500/100 तो आ जाएगा 45 और 40 आ गया। अब 40 के साथ 10 का करो, ए प्लस बी माइनस ए बी 100 तो 50 माइनस 4 46 परसेंट, ए में अलग है